I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Duty College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over the topic of inclusive education, here I am to discuss with you all the National Institutes of Rehabilitation in India. And the lecture will be useful for your special education courses, for your competitive teaching examinations, and for your general awareness as well. Okay. First of all, National Institutes of Rehabilitation. मतलब कि भारत में जो पुनर्वास के राष्ट्रीय कितने संस्थान हैं. तो over a period of time, National Institutes in the field of disability have been set up under this department, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, under the Ministry of Social Justice and Empowerment. यानी कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसके तहत ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं. दे आर इन द नेचर ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. यानी कि जो विभिन्न तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं वो विभिन्न तरीके की डिसेबिलिटी को फोकस करते हुए बनाए गए हैं और ये स्वायत्त संस्थाएं स्वायत्त बॉडीज हैं. These institutes are primarily engaged in human resource development in the field of disability by conducting various courses, providing rehabilitation services to persons with disabilities, and promoting research and development efforts in the field. यानी ये institutions क्या करते हैं कि बहुत सारे courses चलाते हैं, rehabilitation services provide करते हैं PWD जो persons with disability है उसको, और रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं इस क्षेत्र में ताकि बेहतर किया जा सके इन लोगों के लिए. ठीक है, तो थोड़ा नीचे आ सकता था टाइपिंग में, चलिए कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती थोड़ी बहुत. लेकिन ये नॉन नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनके नाम याद करने होंगे और इनकी लोकेशन याद करनी होगी और ये याद रखना होगा कि किस डिसेबिलिटी को फोकस करते हुए बनाया गया है. जैसे कि पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, यानी यहाँ पे देहरादून में है ये, तो यहाँ पे विजुअल डिसेबिलिटी के लोगों के लिए काम किया जाएगा. फिर अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, ये मुंबई में है, ये हियरिंग जो डिसेबिलिटी है उसके लिए, स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए काम करता है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, यानी कि मेंटली अगर कुछ रिटार्डेशन है तो ये सिकंदराबाद में यहाँ पे काम होता है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, देखिए विजुअल डिसेबिलिटी के लिए लिया, स्पीच हियरिंग के लिए लिया, इंटेलेक्चुअल के लिए लिया, फिर मल्टीपल के एक साथ लिया, ये चेन्नई में. उसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये दिल्ली में है. स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कटक में है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ये कोलकाता में है. इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये न्यू दिल्ली में है. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, ये सीहोर में, मध्य प्रदेश. तो आपको ये याद ही रखना है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये नौ नेशनल इंस्टीट्यूट आपको याद करनी होगी जगह के साथ. तो एक एक करके चलते हैं. पहला है आपका विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए जो देहरादून में है, वहाँ बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जो कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं एमपीपी में, कि रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द विजुअली इंपेयर्ड अप टू 12th स्टैंडर्ड चलता है. मतलब कि रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जाते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं 12वीं कक्षा तक, इसके तहत. फिर ये विजुअल डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहा है, तो सेंट्रल ब्रेल प्रेस है इसमें, विच इज द लार्जेस्ट प्रेस ऑफ ब्रेल लिटरेचर फॉर स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन. मतलब ये इनका प्रोग्राम है कि जितना भी लिटरेचर है उसको ब्रेल में कन्वर्ट कर सकें ताकि विजुअल डिसेबिलिटी के लोग भी उसको पढ़ सकें. तो ये सबसे बड़ा प्रेस है इसमें. रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज को, और रिसर्च और डेवलपमेंट भी कराता है कि इन सारे विजुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें, है ना. फिर जो आपका अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी के है, वो क्या है, नोडल एजेंसी है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की. कॉक्लियर जो है वो कान की हड्डी को बोलते हैं, तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की नोडल एजेंसी है और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन भी होता है यहाँ पे. टर्शियरी लेवल केयर की जाती है, इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड ऑडियोलॉजी इम्पेयरमेंट. अब बताओ मुझे कि ऑडियो का मतलब सुनने से है और ये स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए काम करता है. और
diagnostic, therapeutic, educational and vocational services to persons with speech and or hearing disability. यानी कि किसी को सुनने में बोलने में कुछ दिक्कत है तो उस तरीके के सभी पर्सन के लिए डायग्नोज मतलब पहले जांच की जाएगी, फिर उनको उसके लिए थेरेपी प्रदान की जाएगी, उनकी शैक्षिक और उनकी वोकेशनल सर्विसेज प्रदान करता है और बहुत सारे, पर मैंने कुछ कुछ ही पॉइंट्स लिए। फिर आपका जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में, वो क्या प्रोवाइड करता है? रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज विद एविडेंशियल एंड विजिबल पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ कॉग्निटिव रिकवरी। एक बड़ी बात है ना कि पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं इनके प्रोग्राम्स के तहत, कॉग्निटिव रिकवरी कर पाते हैं बच्चे लोग। स्पेशल एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर इनका सिकंदराबाद, नोएडा और न्यू दिल्ली में है, अप टू की वोकेशनल लेवल इनकी 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज का सेंटर चेन्नई में है, वो भी रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अर्ली इंटरवेंशन एंड असिस्टेंस सर्विसेज, मतलब जितना जल्दी आप डिटेक्ट कर लेंगे और इंटरवेंशन और असिस्टेंस सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे उतना ही बढ़िया होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ना, इंक्लूसिव प्रिपरेटरी स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरीके का। फिर जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए सेंटर काम करता है दिल्ली में, वो क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज टू पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, स्पेशलिटी क्लिनिकल सर्विसेज में प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी अर्ली इंटरवेंशन एंड असेसमेंट सर्विसेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मतलब मोर और लेस जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सभी रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च को प्रमोट करते हैं, कुछ वोकेशनल स्पेशल एजुकेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस तरीके की सर्विसेज देते हैं। उसी तरह से जो आपका स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज ये भी देता है। यहाँ पे टू वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स हैं फॉर करेक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी हैं। उसी तरह से जो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के कोलकाता में सेंटर है, वहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल एंड एंगेज इन करेक्टिव सर्जरी, ये भी सर्जरी में इन्वॉल्व है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है और ओपीडी और रेडियोलॉजी सर्विसेज भी देता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में, ये थोड़ा सा अलग है। ये डेवलप्स ट्रेंड एक्सपर्टीज फॉर यूजिंग, टीचिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन इंडियन साइन लैंग्वेज। यानी इंडियन साइन लैंग्वेज में देखिए ये ट्रेन करते हैं एक्सपर्टीज को, ताकि उसको यूज किया जा सके, पढ़ाया जा सके और रिसर्च हो इंडियन साइन लैंग्वेज में। डिप्लोमा कोर्सेज चलता है यहाँ पे, क्या DISLI, मतलब डिप्लोमा कोर्स इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। इसी तरह से अ वेल रिसर्च डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप, ये कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने NCERT के संग MOU साइन किया है, जिससे ये कोर्स बुक और मटेरियल जो है क्लास 1 से 12 तक उसको साइन लैंग्वेज में तब्दील कर सके। प्रमोशन ऑफ एक्सेसिबल इंडियन साइन लैंग्वेज इन ऑडियो विजुअल एंड सोशल मीडिया के लिए भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा सेंटर है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन खुला रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो सीहोर में है मध्य प्रदेश में, वो क्या करता है? कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2018, मतलब ये बहुत रिसेंट है। और ये भी इस तरीके की मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट करते हैं। तो ये तो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट तरीके की डिसेबिलिटीज के लिए फोकस्ड हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी है, CRC के नाम से जिसको जानते हैं। डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 21 कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स, यानी जो आपके कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर को अप्रूवल मिल गया है एज एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो नॉन नेशनल इंस्टीट्यूट के ये एक्सटेंडेड आर्म बन जाए, उनको भी हेल्प करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है CRC का? टू प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ऑल के डिग्रीज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स के लिए काम करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल को ट्रेन करेंगे, बहुत सारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे और अवेयरनेस डेवलप करेंगे पेरेंट्स और कम्युनिटी में रिगार्डिंग नीड्स एंड राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो एक तरीके से एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करेगा CRCs, जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। So these are the national institutes of rehabilitation in India, and you have to learn it. Okay? Thank you, and don't forget to like and subscribe to my channel, Explore Education.
I've done for myself.